उज्जैन के रहवासियों ने पीएनजी गैस के लिए कराए पंजीयन, पर नहीं मिल रही गैस, जिससे घरों में नहीं हो सके गैस कनेक्शन। उज्जैन शहर में रहने वाले ऐसे कई रहवासी हैं जो बेहद परेशान हैं, जिन्होंने पीएनजी गैस के लिए पंजीयन करवा लिए हैं, दस्तावेज जमा किए हैं, किंतु इनके घरों तक गैस नहीं पहुंची है। जबकि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत काम शुरू हुआ था पीएनजी गैस का। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को आसानी से सुगमता के साथ गैस घरों पर मिल सके, किंतु ऐसे कई मोहल्ले, कॉलोनी और क्षेत्र है जहां पर रहवासियों ने दस्तावेज जमा कर पंजीयन तो करवा लिया, किंतु पीएनजी गैस इनको नहीं मिल रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन शहर के अंदर देवास रोड हो या इंदौर रोड हो या शहर के अन्य रोड हो, यहाँ पर पीएनजी जो गैस है उसके पंप हैं जो है खुल चुके हैं, कम्प्लीट हो चुके हैं, और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत इन पंपों का निर्माण किया गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो शहर में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको गैस घर तक पहुंचे, सुगमता के साथ पहुंचे, आसानी से पहुंचे, और वह इस गैस का पंजीयन करवा रहे थे। वह इस गैस को जो है अपने घरों तक पहुंचाने के लिए पैसे, अमाउंट वगैरह वो भी जमा कर रहे थे, और पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। पर करीब 2 वर्ष हो चुके हैं पर अभी तक गैस लोग घरों पर पहुंची नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं। किस प्रकार से इस पंजीयन में और किस प्रकार से इस काम में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद देवव्रत यादव जी। किस प्रकार से जो है यहाँ के लोगों को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्या का निदान करना चाहिए? मतलब शहर के जो प्रमुख रोड हैं वहाँ पर पंप खुल चुके हैं पर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या है? देखिए, बड़ा खेत का विषय है। जैसा कि आप में 2000 कनेक्शन होना था, मैं स्वयं उसका एक जवाबदार व्यक्ति हूँ। मेरे खुद के पंजीयन कराए हुए 1.5 साल हो चुके हैं और मेरे खुद पे ही घर पर पीएनजी गैस कनेक्शन अभी तक लगा नहीं है। विशेष रूप से देवास रोड के जो रहवासी हैं उन लोगों को इस कनेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि इसके पेट्रोल पंप में इसके सीएनजी के जो पंप हैं वो खुल चुके हैं, जो लाभ उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस काम को तेज़ी गति से बढ़ाया जाए, अन्यथा कांग्रेस के जो हम लोग हैं और पीएनजी गैस ऑफिस का घेराव करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो अपने एक लिमिटेड समय दिया था उस समय के अंतराल में अभी तक आपने गैस कनेक्शन नहीं किया है। ये हमारी पहली चेतावनी है इस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और इसको भी अगर अंजाम नहीं दिया गया तो शीघ्र हम ऑफिस का घेराव करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद देवव्रत यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि जब लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, लोगों ने जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दावे भी किए थे, वादे भी किए थे कि हर घर तक सुगमता के साथ गैस पहुंचाई जाएगी ताकि उनकी समस्या का निदान हो, पर समय बीत चुका है, काफ़ी अंतराल हो चुका है, इसके बाद भी लोगों को गैस नसीब नहीं हो रही। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।